सो गाइज अभी आपने जो प्रीव्यू स्टेटस देखा आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइज अभी ये सॉन्ग काफ़ी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। सो गाइज इस सॉन्ग पे आज मैं वीडियो एडिटिंग लेके आया हूँ। तो गाइज इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन, और एलाइट मोशन को आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज एक एलाइट मोशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पिन कर दिया है। तो गाइज आपको क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज जितने भी यहाँ पे फोटोज़ यूज हुए हैं मैं सारी फोटोज़ को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। सो गाइज आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क म्यूजिक और शेक इफेक्ट लिंक दी गई है। आपको क्या करना है कि उसे अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज इंपोर्ट करने के बाद चलिए हम अपने लाइट मोशन को ओपन करते हैं। सो गाइज ओपन करने के बाद हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है आपको ऊपर में इस तरह से कुछ देखने को मिल जाता है। सो गाइज हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है आपको इसमें से फॉन्ट जो है वो मतलब जब इंपोर्ट करोगे तो फॉन्ट हट जाएगा। सो गाइज फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे ऐड कर लेना। तो गाइज फॉन्ट को ऐड करने के लिए बाद मतलब डाउनलोड करने के लिए आपको ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और गाइज यहाँ पे आपको जहाँ फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे व्यूज ऑल फॉन्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है। देन गाइज यहाँ से हमारा जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन होने के बाद मैं अपना क्या करता हूँ, फॉन्ट को ऐड कर देता हूँ। सो गाइज जो हमारा फॉन्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है दिख सकता है, उसका नाम है कि कॉम्पटिट करके आपको यहाँ पे फॉन्ट का नाम है। तो गाइज मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ। सो गाइज ऐड करने के बाद आपको करना है कि नेक्स्ट पेज पे आना है, और जो जितना भी हमारे टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट पे आपको इस फॉन्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। सो गाइज चलिए हम इस तरह से ऐड करते हैं फॉन्ट को और लास्ट तक, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज सारे टेक्स्ट पे फॉन्ट को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली हमें अपने यहाँ वाले बीट पे आ जाना है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा है। देन गाइज हमें प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है, और गाइज यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर देगा जिस भी फाइल में आपकी फोटो हो। सो गाइज मैं यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से आपको क्या करना है, फोटो पर टाइप करना है। सो गाइज आपको फोटो स्क्रीन पर इस तरह से आ जाएगा, देन आपको राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर सेट कर देना है, और इसे क्या करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर कर देना है। देन गाइज नेक्स्ट पेज पे आके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्या करना है कि इरेज कर देना है। सो गाइज जिस तरह से आपको यह करना है कि आगे को जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे वन बाय वन करके ऐड करते जा रहा हूँ। सो गाइज इसी तरह से आपको भी फोटोज़ को क्या करना है कि ऐड करते जाना है लास्ट तक। तो गाइज देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मैं जिस तरह से फोटो ऐड कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट पेज पे आके क्या कर रहा हूँ, उसे कट कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आप भी अपने फोटोज़ को लास्ट तक ऐड कीजिएगा। सो गाइज चलिए इसको ऐड करते हैं, थोड़ा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज सारे फोटोज़ को आपको ऐड कर लेना है। सो गाइज फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको हो जाना है यहाँ से बैक, और हमारा जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है उसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज हमारे जो सबसे लास्ट वाला लेयर है, ठीक है, उसको आपको इस तरह से क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइज कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है उसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। देन हमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे हमारा फोटो ऐड है, ठीक है। तो गाइज वन बाय वन फोटो पे टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइज मैंने एक फोटो पे किया, इसी तरह से आपको सारे फोटोज पे इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं वन बाय वन करके क्या कर रहा हूँ, सारे फोटोज पे इस इफेक्ट को ऐड करते जा रहा हूँ। सो गाइज इसी तरह से आपको भी इफेक्ट्स को ऐड कर देना है सारे फोटोज पे। सो गाइज चलिए हम लोग इफेक्ट्स को करते हैं ऐड, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज देख सकते हैं मैंने सारे फोटोज़ पे इफेक्ट्स को क्या किया कि अप्लाई कर दिया। तो गाइज अप्लाई करने के बाद आपको फिर से अपना बैक हो जाना है, और हमारे जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे तीन लेयर्स ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जिसको मैंने गाइज यहाँ पे आपको ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो गाइज मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सो गाइज ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि तीनों लेयर्स पे इस तरह से वन बाय वन टैप करना है, देन यहाँ से कॉपी थ्री लेयर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइज आपको तीनों लेयर्स को कॉपी करने के बाद अपना सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आना है, ठीक है। और हमारे जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमारे जहाँ से टेक्स्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पे हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे आ जाना है। तो गाइज यहाँ से हमारा जो फोटो है स्टार्ट हो रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है कि तीनों लेयर को पेस्ट कर देना है। सो गाइज पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि तीनों लेयर्स को लास्ट तक आपको ऐड कर देना है। सो गाइज हम चले जाते हैं अपने लास्ट वाले बीट तक आ जाते हैं पहले, और गाइज यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करते हैं कि तीनों लेयर्स को यहाँ पे स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और लास्ट तक इंक्रीज कर देते हैं। सो गाइज आपको भी इसी तरह से तीनों लेयर्स को लास्ट तक ऐड कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो गाइज इसी तरह से आपको लास्ट तक ऐड कर देना है। सो गाइज जब लास्ट तक आप ऐड कर दोगे तो आपका जो स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर वीडियो को कर देना है एक्सपोर्ट, हमारा वीडियो स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइज आज की ये वीडियो आप लोग कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और गाइज वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका भाई ऐसे एडिटिंग में चले के आता रहता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।